मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मैनर्स देख लेटेस्ट के मुंह में आ अपडेट्स गया ना पाने। आपके पानी। आपका मन कर रहा होगा कि फटाफट से हाथ डालें अंदर से और इसको निकाल लें और खा लें, मुंह में डाल लें इसको। इतना यमी सैंडविच है ये, इसकी फिलिंग बहुत ही स्पेशल है, बिल्कुल अलग तरीके का ये सैंडविच है, मुंबई का स्पेशल सैंडविच है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और जब चाहें इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करें टाइम वेस्ट करने के बगैर। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल सादा सैंडविच। बहुत ही टेस्टी सैंडविच होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। मुंबई के हर गली में आपको ये सैंडविच मिलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लोग इसको बहुत खुश होकर खाते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना अपना मुंबई का सादा सैंडविच। तो इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच साबुत धनिया। तो हम लेंगे एक कढ़ाई और गैस हमने नीचे से खोल लिए, इसमें हम डाल देंगे अपना साबुत धनिया, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा। ये सारा इसमें डाल देंगे, क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म थी इसलिए हमें इसके मसाले को भूनने के लिए आधा मिनट भी नहीं लगा। अब ये मसाला ठंडा हो चुका है, इसको पहले हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो चुका है, इसको अब हम अपने मिक्सी के सबसे छोटे जार में डालेंगे। इसको डाल लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे अपने कुछ मसाले। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा पहले नमक, तकरीबन आधा चम्मच नमक का डालेंगे। ये नॉर्मल नमक हमने डाला है, इसमें हम थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डालेंगे, तकरीबन 1/3 स्पून, ज़्यादा इसमें नहीं डलता है, इससे फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। इसके अंदर डालेंगे थोड़े खट्टेपन के लिए थोड़ा अमचूर पाउडर, तकरीबन 1/2 चम्मच। इसके अंदर डालेंगे और इसका टेस्ट मज़ेदार करने के लिए थोड़ा सा MDH का चंकी चाट मसाला। घर में बना हुआ मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला मैंने घर में बनाया हुआ है, आप वो रेसिपी देख कर वो डाल सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूँगी। 1 चम्मच आपने जो है चाट मसाले का डाल दिया। हमने ये नॉर्मल चम्मच लिए जिससे हम खाना खाते हैं, छोटा चम्मच हमने इसी की मेजरमेंट सब ली है। तो इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, मसाला हमने बना लिया है। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो गया, बहुत ही बढ़िया जो है इसमें से खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसमें 2 चुटकी हींग की डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मसाला तैयार हो गया, अब हम करेंगे सैंडविच की तैयारी। मसाले को कर देंगे साइड पे। अब हम लेंगे खीरा, इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे, छील कर अच्छे से पहले धो लें और फिर जो है इसको अच्छे से इस तरह से पतला पतला काट लें। अब हम लेंगे टमाटर और उसको भी कट कर लेंगे, इस तरह से पतला पतला स्लाइसेस कर लेंगे इसके टमाटर के। हम प्याज कट कर लेंगे, प्याज को भी हमने पतला पतला काटना है। शिमला मिर्च को कट करेंगे, इसको भी हमने अच्छे से धो लिया, पतला पतला इस तरह से काट लेंगे। तो मुंबई के ये सादा सैंडविच के लिए ये चुकंदर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये चुकंदर लेकर हमने जो है इसको बॉईल कर लिया है, इसको हमने 4 विसल्स जो है प्रेशर कुकर में डाल के दिए, उसके बाद गैस बंद करके इस तरह से इसका छिलका उतार लें और इसको कट कर लें, गोल गोल काट लेंगे इसे इस तरह से। अब हम लेंगे एक उबला हुआ आलू और इस तरह से इसको गोल गोल कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेना इसको स्लाइसेस में। ये देखिए, ये हमारा आलू कट के तैयार हो गए हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हम ब्रेड लेंगे, अगर सैंडविच ब्रेड आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है। सैंडविच ब्रेड का साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है, मैं जो है ये नॉर्मल ब्रेड से बना रही हूँ। तो चलिए इसके साइज जो है कट कर लेते हैं, मैंने ये 2 पीसेस पहले लिए हैं, इसको इस तरह से इसके साइज जो है निकाल लेंगे। हल्के हल्के से हमने साइज काटने, तो लीजिए हमने ब्रेड के साइज जो है वो निकाल दिए सब तरफ से, आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने ब्रेड के साइज को कट कर दिया है। अब हम इन दोनों पीस पे लगाएंगे बटर। बटर को हमने रखना है रूम टेम्परेचर पे और थोड़ा सा ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम लगाएंगे इसमें बटर, उससे क्या होता है कि बटर लगाने में थोड़ी सी आसानी रहती है, बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और अच्छे से जो है इसमें बटर लगाएंगे, स्प्रेड कर लेंगे सब जगह। और दूसरे पीस के ऊपर हम लगाएंगे अपनी सैंडविच चटनी, चटनी स्प्रेड कर देंगे इसमें।
अच्छे से चटनी लगा देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, इससे सैंडविच जो है बहुत ही बढ़िया आता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है इसका लिंक डाल दूँगी, आप रेसिपी वहाँ से देख सकते हैं और ये चटनी घर पर बड़े आराम से बन जाती है, इसे बना सकते हैं। तो ये चटनी और बटर तो हमने लगा दिया दोनों स्लाइस पे, अब हम लगाएंगे इस पर फिलिंग। तो हमने एक प्लेट पे बटर और दूसरे पे चटनी लगा दी है, अब हम सैंडविच की जो है फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें स्लाइस किए हुए उबले हुए आलू इस तरह से। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे खीरा, इस तरह से, और इसके ऊपर लगा देंगे अपना सैंडविच मसाला इस तरह से स्प्रेड कर। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज, इस तरह से स्लाइस किया हुआ प्याज लगा देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे टमाटर। अब हम दोबारा से थोड़ा सा सैंडविच का मसाला डाल लेते हैं इसमें। अब हम लगाएंगे इसमें शिमला मिर्च, इसके बाद चुकंदर लगा देंगे इस पर। चुकंदर लगाने के बाद इसके ऊपर एक बार दोबारा से सैंडविच मसाला डाल चटनी वाली सैंडविच स्लाइस जो है इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्के हाथ से दबा देंगे, बिल्कुल हल्का हल्का दबाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे फाइनली बटर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे सारी जगह। तो इसके ऊपर अब हमने लगा दिया बटर, अब इसको हम करेंगे कट इस तरह से, इस तरह से काट लिया। अब दूसरी साइड से भी हम इस तरह से बीच में से भी बड़े ध्यान से कट कर लेंगे इसको। तो लीजिए ये हमने कट कर लिया, तो ये सैंडविच हो गया हमारा तैयार, अब इसको करते हैं सर्व। तो लीजिए हमने ये सैंडविच तैयार करके इस तरह से प्लेट में जो है रख दिया है। इसी तरह से जो है आपको मुंबई में मिलेगा पेपर प्लेट में, इसके ऊपर अब हम डालेंगे सेव, इस तरह से सेव डाल देंगे खूब सारे। सेव से जो है बहुत ही क्रंची मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और नीचे सेव हमने डाल दिए, हमारे पास क्योंकि छोटी प्लेट थी हमने चार पीसेस हमारे बन रहे थे, तो हमने जो है और प्लेट का साइज लेके इस तरह से छः बना दिए। आप जो है जब बनाएं तो बड़ी प्लेट से बनाएं, नहीं तो इस तरह से, क्योंकि मुंबई में जो सैंडविच मिलता है ये सादा सैंडविच ये जो है छः पीसेस का होता है। इसके बाद अब हम डेकोरेट कर देंगे इसको, गार्निशिंग इसकी कर देंगे थोड़ा हरा धनिया की पत्तियों के साथ। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा सैंडविच बन के तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाएं, कैसा लग रहा है आपको थम्स अप, आप ज़रूर एक थम्स अप दें, लाइक करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको खूब शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।